पाकिस्तान में ऐसे हुब्बुल वतन नौजवानों की कमी नहीं, जो न सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का जज्बा रखते हैं बल्कि अमली तौर पर भी मुल्क की फलाह में हिस्सा लेते हैं। इन्हीं नौजवानों में से एक पेशावर से ताल्लुक रखने वाले एहसान हमीद दुर्रानी है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने बतौर यूथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, नेशनल यूथ असेंबली यूथ एक्टिविस्ट, पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, पॉलिसी मेकर और पॉलिटिकल एडवोकेसी फॉर एजुकेशन अचीवमेंट्स की हैसियत से खिदमात सर अंजाम देने के साथ साथ ऐवान बाला तक नौजवानों की नुमाइंदगी की और इसके साथ साथ कई कौमी और बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान के नौजवानों के मसाइल को उजागर किया। खिदमत खल्क के इसी जज्बे के तहत वो मुआशरे के फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसी मकसद के तहत रमजानुल मुबारक में उन्होंने एक मुहिम चलाई जिसके तहत 9000 अफराद को खाना खिलाया गया और ये सिलसिला अब तक जारी है। एहसान अब तक 500 से ज़ायद तलबा को कायदाना सलाहियतों, हुब्बुल वतनी और मुआशरती तामीर और तरक्की के हवाले से शऊर पैदा करने जैसे मौजूआत पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तरबियत दे चुके हैं। आम तौर पर लोगों के जहन में ये तासुर है कि खैबर पख्तूनख्वा अस्करियत पसंदों का गढ़ है। एहसान ने इस बात को गलत साबित किया और सूबे भर में बच्चों, नौजवानों और खवातीन में तालीम की अहमियत को उजागर किया और हमेशा इस बात पर जोर दिया कि कम सहूलियात और मसाइल के बावजूद सूबे के बासलाहियत नौजवानों को दुनिया भर के सामने पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश करना है। एहसान का कहना है कि अगर सूबे के नौजवानों को बेहतर सहूलियात फराहम की जाए तो वो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे।